शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान काफी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। विगत कई दिनों से राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े और ऐसे अतिक्रमणों को हटाया गया है जो विगत कई वर्षों से या यहाँ तक कि कुछ अतिक्रमण कई दशकों से यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर रहे थे। इस अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से वैसे क्षेत्रों और वैसे सड़कों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है जहां वाहनों का आवागमन काफी अधिक होता है, जहां यातायात का दबाव ज्यादा होता है। ऐसे अभियान के अंतर्गत अब तक 4 अंचलों न्यू कैपिटल डिवीजन, बांकीपुर अंचल, कंकड़बाग अंचल और पटना सिटी अंचल, चारों अंचलों के अंतर्गत प्रतिदिन बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों, दंडाधिकारियों के साथ नगर निगम के पदाधिकारियों और अन्य सभी विभागों के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इस अतिक्रमण के महाअभियान को अंजाम दिया जा रहा है। यह अभियान 16 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाने का निर्देश दिया गया था, किंतु वर्तमान में इस अभियान की सफलता के कारण इसको आगामी 5 सितंबर तक विस्तारित किया गया है। 5 सितंबर को पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यकता महसूस हुई तो 5 सितंबर के बाद भी इसको हम लोग आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्रशासन की यह भी योजना है कि राजधानी के कुछ क्षेत्रों में वेंडर्स जोन को चिन्हित किया जाएगा और वेंडर्स जोन को चिन्हित करके वहां पर वेंडर्स को बसाने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रोसेस को भी पैरेलल रूप से चलाया जा रहा है ताकि वैसे क्षेत्र जहां पर वेंडर्स जोन के योजना के अंतर्गत कहीं कहीं पर एक मंजिला वेंडर जोन बनाया जाएगा, कुछ क्षेत्रों में हम लोगों की 2 मंजिला वेंडर जोन बनाने की योजना है और वेंडर्स को उस एरियाज में सीमित किया जाएगा ताकि वे बाकी सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण न कर सके। इसके साथ ही प्रशासन की एक और भी चुनौती है कि अतिक्रमण हटाने के पश्चात वहां दोबारा अतिक्रमण न हो सके, इसके लिए नगर निगम के पदाधिकारियों को, संबंधित थाना के पदाधिकारियों को और उनके साथ साथ अन्य सभी जो भी जिस विभाग की जमीन है उनके पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि अतिक्रमण हटने के बाद वहां दोबारा अतिक्रमण न हो पाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिक्सेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग अतिक्रमण हटाओ अभियान के पश्चात धावा दलों का भी गठन करेंगे और अभी वर्तमान में 10 धावा दलों का गठन करने की योजना है। 10 धावा दलों का गठन किया जाएगा, इसकी संख्या में कमी या वृद्धि भी हो सकती है और इन धावा दलों की यह जिम्मेवारी होगी कि जहां से अतिक्रमण हटाए गए हैं उन जगहों पर दोबारा अतिक्रमण न हो पाए। इन सभी का उद्देश्य यह है कि पटना शहर में आम लोगों को ट्रैफिक मूवमेंट में कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो और महत्वपूर्ण बड़ी सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करते हुए यातायात दृष्टिकोण से और अधिक बेहतर और सुचारू बनाया जा सके। पटना शहर को एक बार की अधिकांश क्षेत्रों को क्लीन और अतिक्रमण मुक्त करने के बाद उन क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी की योजनाओं को लागू किया जाएगा ताकि उन योजनाओं को और अधिक बेहतर और अधिक क्षेत्र में लागू किया जा सके। इसीलिए स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत हम लोग जरूर यह उम्मीद करते हैं कि जब स्मार्ट सिटी की योजनाएं लागू हो जाएंगी जिसमें लगभग 1.5 से 2 वर्ष लगने की संभावना है, उसके बाद निश्चित रूप से हमारा पटना बदला हुआ दिखेगा। अब घर के लिए बैंकों से कर्ज क्यों? सेक्टर 20 में आसान किस्तों में हम लोग जमीन दे रहे हैं। 40 बीघे जमीन हम लोग उपलब्ध कराए हैं। छपरा टू पटना फोर लेन से निकट है। 500 रुपए स्क्वायर फीट जमीन सस्ती दर पर दे रहे हैं। सस्ती दर पर जमीन हम लोग देते हैं, पहले पोजीशन बाद में रजिस्ट्री और सही निर्धारित समय पर हम लोग अपना काम करके देते हैं।